आज है 25 नवंबर और आज है मेरा बर्थडे, और अभी उससे पहले आपको रूम टूर दे देते हैं। ये हमारा रूम है, इसमें 2 डबल बेड लगे हुए हैं तो हम चारों के लिए इनफ है। और वैसे भी घर पे तो अलग अलग रहते ही हैं, कम से कम आज बाहर आए हैं तो साथ में मिल गया रूम तो साथ में ले लिया हमने। ये 2 डबल बेड हैं, ये टीवी है, कपड़े वगैरह सुखाने उसके लिए है, ये अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा बच्चा वगैरह है उसको भी यहाँ पे सुला सकते हैं। इसका प्राइस है 3500 पर नाइट, बहुत अच्छा ही है। आप 4 दिन आराम से रुक सकते हैं यहाँ पर, और आपको होटल का नाम भी बाद में बताऊँ, नाम मुझे ध्यान नहीं है। चलिए आगे घूमने चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी बाकी है, सब करते हैं और फिर मिलते हैं। और ये होटल है और इसका नाम है रंजनास, मेन नकी लेक के पास ही है। सो गाइस अभी नाश्ता करके आए हैं, पर इतना खराब था ब्रेकफास्ट, मूड ही खराब हो गया, बिल्कुल मजा नहीं आया। बस अभी जा रहे हैं हम लोग गुरु शिखर की तरफ, बस यहाँ से गुरु शिखर निकलते हैं। रास्ते में हम रुके हैं, यहाँ पे कोई लेक है, मस्त व्यू लग रहा है यहाँ का, बहुत ब्यूटीफुल है। सामने हिल्स, वो सामने देखिए, और नीचे लेक, अद्भुत नजारा, अद्भुत। सो फ्रेंड्स ये है शूटिंग पॉइंट, यहाँ भी बहुत प्यारा व्यू है, ये देख सकते हैं आप, नीचे लेक है पूरी और आजू बाजू का बहुत ही प्यारा नजारा है। गणपति जी का लग रहा है क्योंकि सून बनी हुई है, ऐसा व्यू आता है यहाँ से। यहाँ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, रास्ते में खाने वाने का फूड कॉर्नर आते रहते हैं, वहाँ पे फूड वगैरह कुछ भी आप भूख लगी हो तो ले सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी से उतरते वक्त होता है उसी टाइप से सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई है। मस्त व्यू के साथ आप फूड वगैरह खा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। वो वहां से आए हम, नीचे से नीचे गाड़ी पार्क की हमने। गाइस ये है देलवाड़ा मंदिर, ये भी अगर आपको गुरु शिखर से आ रहे हैं तो रास्ते में ही आएगा शायद, यहाँ पर मोबाइल
जमा कराने पड़ेंगे। अगर अंदर ले जा सके तो मंदिर में दर्शन कराएंगे, नहीं तो बाहर ही जमा करा देंगे। पूरे इस टाइप के गुंबद बने हुए, बहुत मस्त बना हुआ है, दिखा नहीं पा रही मैं आपको। यहाँ से जाना है सनसेट पॉइंट। हाँ, आगे से लेफ्ट। आगे से लेफ्ट, ओके। ये ना सनसेट ही हो जाए वहाँ पहुँचते पहुँचते। सब लोग सनसेट देखने जा रहे हैं। आबू में एक चीज नोटिस की है मैंने, ये ओम शांति वाले हैं, पीके शिवानी हैं, उनके यहाँ पर कोई संस्था है क्या है, काफी लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत शांति मिलती है। और हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर चल के यहाँ पे हमको आगे जाना पड़ेगा। देखते हैं आप सनसेट देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ना अभी देख पाए तो अभी क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। यहाँ से चलते चलते हम लोग जा रहे हैं, 1 किलोमीटर तक जाना है, पर लग नहीं रहा सनसेट देख पाएंगे। यहाँ से ही दिख रहा है, यहाँ से दिख ही रहा है सनसेट। चलो हो गया सनसेट तो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। अरे वॉक हो जाएगी ना, चलो घुटने फिर रात को कुछ नहीं होता, थोड़ा चलना चाहिए। वंडर पार्क है यहाँ। ये ऊंट है, ऊंट ये अंदर वंडर पार्क है। रात को मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि रात को खाना खाया, डिनर किया, होटल में ही डिनर मंगवा लिया था, पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था, वो खा लिया था और फिर सो गए थे। उसके बाद सुबह उठे हैं, बस अभी चेकआउट करते हैं और फिर निकलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, फिर निकलेंगे सीधा घर की तरफ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और मैं ब्लॉग बना पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिएगा, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय 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 आबू, फिर मिलेंगे।